धौलपुर पुलिस के समक्ष मुठभेड़ के दौरान तीन राज्यों से फरार चल रहे 45,000 के इनामी डकैत भारत गुर्जर ने उवासा जमुरा के जंगलों में हथियारों के साथ आत्मसमर्पण किया है। एसपी मृदुल कच्छावा ने बताया कि 2 माह से पुलिस ने दस्युओं को गिरफ्तार करने के लिए विशेष धरपकड़ अभियान चला रखा है। इस दौरान पुलिस 2 दर्जन से अधिक इनामी बदमाशों को गिरफ्तार कर चुकी है, लेकिन डकैत भारत गुर्जर पुलिस के लिए बड़ी चुनौती बना हुआ था। हाल ही में पुलिस की डीएसटी टीम और बसईडांग थाना पुलिस ने मुठभेड़ की थी, जिसमें भारत गुर्जर जंगलों में फरार हो गया था, लेकिन मुखबिर की सूचना मिलने के बाद डकैत भारत गुर्जर उवासा के जंगलों में अपने साथियों के साथ छिपा हुआ था। ऐसे में जाल बिछाकर घेराबंदी की गई, जिसके बाद अपने आप को घिरा हुआ देख आरोपी ने आत्मसमर्पण कर दिया, जिसके कब्जे से पुलिस ने 315 बोर की राइफल के साथ 14 जिंदा कारतूस भी बरामद किए हैं। पप्पू गुर्जर गैंग में मिली सफलता के बाद में जो है उसके बाद भी जो है प्रयास हमारे लगातार जारी रहे और उन्हीं प्रयासों के कारण जो है आज उसी दबाव के कारण डकैत भारत गुर्जर जो है पुलिस के समक्ष ने सरेंडर किया है और सरेंडर के बाद इसको जो है हिरासत में लिया गया है। डकैत भारत गुर्जर जो है ये रहने वाला कंचनपुर क्षेत्र का है, प्रदेश के टॉप 10 इनामी अपराधियों में शुमार है और नंबर 7 पर जो है इसका नाम है। कुल 45,000 का इनाम इस पे 3 राज्यों से घोषित किया जा चुका है। कुल 33 मुकदमे इसके विरुद्ध दर्ज हैं और जिसमें हत्या का प्रयास, लूट, डकैती, फिरौती और वसूली, इस तरह के मुकदमे जो हैं इसके विरुद्ध दर्ज हैं। सर, क्या क्या हथियार बरामद किए हैं? और डकैत भारत गुर्जर से जो है एक 315 बोर राइफल मय राउंड वो जो है जब्त किया।